मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबको उस इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देती हूँ और इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान करीम से शुरू करने के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة دلوں سے جو جوڑے وہی ایک محبت کا رشتہ بڑا ہے خدا میں جاؤں کہاں گمشدہ میرا جہاں عمر سے بھر دے میرے روح मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है। अल्लाह बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है। अल्लाह नया साल के लिए फंक्शन को हम तय किए हैं। फंक्शन के प्रेसिडेंट हमारे पासीवन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी तस्कर आगा साहब है और एक हमारे मेहमान मुजाहिद तालीपोटी साहब है, पासीवन एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और एक साथ हमारे सामने यहाँ पर मेहमान है अमन भाई है मद्रासी और मेरे वाई स्कूल के स्टाफ। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज का दिन हमारे हुजूर ने मौका से मदीना जो निकले उससे हमें ये हिजरी हमारा स्टार्ट होता है। आज को हमारे जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर 45 साल हो गया है, इसे हमें इस्लामिक नया साल के तौर पर हमें मनाते हैं। जो इस्लाम नया साल है तो इसके आने वाले जो साल अच्छे शुरू हो रहा है और हमें अल्लाह से दुआ गो है कि आने वाले दिनों में अल्लाह खैर के फैसले करे हमारे और उम्र दराजी करे, कमाई में बरकत करे और तुम्हारे जो एजुकेशन का जो है जो कमज़ोर बच्चे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम को चलने की हिदायत दे, अच्छे लिए काम करना। एक परंपरा रहती है कि नए साल कलकत्ते बच्चों को जो है कुछ ना कुछ बुरे आदता होते हैं। आज तुम्हें अहद करना कि ये नए साल में मैं वो फलानी बुरी चीज़ मैं छोड़ता हूँ। छुट्टी है नहीं छुट्टी वो एक अलग बात है लेकिन कोशिश करना बड़ी बात है। करेंगे तुम्हारे इसमें क्या बुरे आदत है कि नहीं है? अल्लाह पाक के सामने तुम्हारे आने वाले जन्म क्योंकि हर बच्चे को हर अपने Thank you.
आठ नंबर वाले हैं, आठ नंबर दस नंबर लड्डू गिड्डू है हलो और अच्छा स्वीट ऐसा आपका साल हमेशा ऐसा चले। और हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से ये चाहते हैं कि सब लोग तुम्हें जो है अच्छी से अच्छी मेहनत करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट बनाए, क्या हमारी दुआ है और तुम्हारी मेहनत है इसके अंदर क्या। और ये जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें, ये मुस्लिम लीग की तरफ से आप लोगों के लिए है। मुस्लिम लीग क्या है, क्या है मुस्लिम लीग? एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा तुम्हारा बीजेपी है कांग्रेस है वैसा मुस्लिम लोगों की एक पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बोलकर समझे क्या नहीं, आप लोगों ने नहीं सुने वो नाम। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी जो है क्या नहीं बहुत काम कर चुकी है,